हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाले क्लास के जो नोटिफिकेशन है आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट और है कि क्लास को बीच में आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहाँ पर मात्र 25 प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी लोग यदि नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास यदि आप सबको अच्छी लगी तो लाइक करते हुए चलिए चलिए बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। बताइए वह पीले रंग का होता है या लाल या नीला या सफेद, वो चमकदार जो प्रकाश है वो किस कलर में चमकता है। तो दोस्तों, मैग्नीशियम की जो एक पतली पट्टी है उसका छोटा सा टुकड़ा जो होता है वो चमकता है, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं, सफेद। जी हाँ, सफेद रंग में चमकता है। ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को कहा जाता है। यदि अम्ल और क्षार को क्षार का जो हम प्रतिक्रिया कराएं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो दोस्तों, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर चार को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उत्प्रेरक आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित कारण है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। बताने का प्रयास कीजिए कि कौन से निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाए। तो ये सुनिश्चित करने वाला कौन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर तीन ह्यूमस की उपस्थिति, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो तीसरा वाला है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिए। आयुष सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ड्रीम। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है। देखिए आप सभी लोग ध्यान से देखिए, कंसंट्रेट रहिए, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर स्टोरी क्रिएट करना है, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में जो है यही कहा गया है कि यह सर्वाधिक तीव्र होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आप लोग अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर तथा कृषि समुद्री प्रसंस्करण के विकास के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारे ऑप्शन हैं। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, या प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, या प्रधानमंत्री किसान कौशल योजना, या प्रधानमंत्री किसान समृद्ध योजना। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है ये प्रधानमंत्री के ही द्वारा ये योजना लाई गई। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अब तक की दर्ज की गई सबसे प्राचीन, जी हाँ ये चीज ध्यान में रखिए, हाईलाइट में कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, कुंडलित दीर्घवृत्तीय अनियमित या टेढ़े मेढ़े। तो वैज्ञानिकों द्वारा जो है ब्रह्मांड के अब तक की दर्ज की गई सबसे प्राचीन, ए 16168981 नामक जो आकाश गंगा की खोज है वो कुंडलित है या दीर्घवृत्तीय या अनियमित है,
या टेढ़े मेढ़े है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर पहले को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है ध्यान से देखिए, कुंडलित आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को एक चीज और ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिकों ने जो है 11 बिलियन वर्ष पूर्व के, मतलब 11 बिलियन वर्ष पूर्व के, बहुत होता है एक बिलियन में लगभग कितना होता है, एक बिलियन जो होता है वो 100 करोड़ के बराबर होता है। तो 11 बिलियन वर्ष पूर्व के सबसे प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा की खोज की है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये खोज कब हुई है, सन 2017 में, ठीक है, नवंबर का महीना था। और इससे ब्रह्मांड के निर्माण का काल और अन्य आवश्यक जो तथ्यों की जानकारी है वो मिल सकती है। और इस आकाशगंगा को जो है क्या कहा गया है, आप सभी के ऑप्शंस क्वेश्चन में ही दिया गया है, ए कैपिटल ए रहेगा, फिर 1689811 नामक आकाशगंगा की खोज हुई है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह जो है बिग बैंग के निर्माण के 2.6 बिलियन वर्ष के पश्चात उस समय जो है अस्तित्व में आया था जब ब्रह्मांड आज की तुलना में मात्र इसका पांचवा भाग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि आरएनए संपादक के लिए प्रोग्राम बनाने योग्य ए टूर आई प्रस्थापन का मुकाबला करने के लिए एक जीन संपादन उपकरण है, अब बताइए वो जीन संपादन उपकरण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिक रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनुवांशिक रोग आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है प्रवेश करता है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी को कोई समस्या है, कोई रोग है, तो वो लगभग उम्मीद रहता है कि अगली पीढ़ी में वो जा सकता है। जैसे मान लीजिए बाल टूटने का, ऐसे बहुत सारे अनुवांशिक रोग हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। जैसे आंखों के रोग हैं, बाल के रोग हैं, ये सब लगभग लगभग तय रहता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यह माना जाता है कि झील क्रिटेशस खटिमल युग में दक्कन अतितांश चट्टानों पर उल्का पिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी, बताइए क्या विकसित हुई थी, लोनार या बीना या रनकला या अंबाजारी। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर एक को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर एक आपका क्या है, लोनार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या सही नहीं है, आपको बताना है इसमें से आपका क्या सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है कि यह जो है आपका एक प्रत्यक्ष कर है, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में जो है यह कथन सत्य नहीं है, तो मतलब यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये कथन आपका सत्य नहीं है। बाकी के तीन कथन आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कथन आपके सत्य दिए गए हैं, पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा वाला कथन सत्य नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में एक विद्युत का अच्छा चालक है, अभ्रक, पैकेलाइट, ग्रेफाइट या शुष्क हवा। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ग्रेफाइट ताप और विद्युत का एक अच्छा सुचालक है, आप सभी लोग देख लीजिए ग्रेफाइट जो है, और उसके अलावा एक चीज और है वो है विद्युत का ताप जो है, ये एक अच्छा सुचालक है। तो जितने भी लोगों ने ग्रेफाइट ताप बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पर एड कर लीजिए ताप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। देखिए हर एक प्रश्न का जो जवाब है आप लोग देने का प्रयास कीजिए, आदत डाल लीजिए, जिससे कि आप सभी का यहाँ पर रिवीजन अच्छे से होता रहे, ठीक है, तैयारी अच्छे से होती रहे। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। 108 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 4 रेखीय आवर्धन, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। ठीक है, रेखीय आवर्धन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एल नीनो महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है, हिंदी प्रशांत या आपका दक्षिणी अटलांटिक या आपका उत्तरी अटलांटिक। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर 2 को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रशांत महासागर, ए एल नीनो जो है प्रशांत महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है, और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे महाद्वीप है, जिसमें आपका भारत, जापान, चीन, पाकिस्तान ये सब देश आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्राय ऑफ द ईस्ट, मतलब ट्राय ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जिंजी दुर्ग, जी हाँ जिंजी दुर्ग का किला जो है इसे हम लोग क्या कहते थे पहले, ट्राय ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी तक ने जो है इस किले को भारत का सबसे अवैध दुर्ग कहा था। ठीक है, तो आप सभी का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सा संगठन अपने वर्तमान कानूनी ढांचे के तहत इनिशियल काइन ऑफ रिंग्स ICO लाने की योजना बना रहा है। आप सभी लोग देखिए, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड, जिसे हम लोग कहते हैं SEBI, वो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाइथन है एक प्रोग्रामिंग भाषा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम या कंपाइलर। तो आप सभी लोग देखिए, बताने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को बताया है एक प्रोग्रामिंग भाषा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ, इससे वर्तमान में जाना जाता है। बताइए, ईसा पूर्व का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे ना, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसके पहले के समय को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत रखिए कि ईसवी और ईसा पूर्व। ईसवी मतलब जो सन 1, सन 2, सन 3, सन 4 ऐसे स्टार्ट होते होते आज सन 2022 पहुंचा है, लेकिन जो उससे पहले का समय रहता है, जैसे सन 1 के पहले का समय, जैसे सन 1 के 10 पहले, तो हम कहेंगे 10 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईसवी में आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, मतलब 2500 ईसा पूर्व हुआ हड़प्पा सभ्यता का विकास। कब हुआ? 2500 ईसा पूर्व हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, या अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत, या भारत और चीन। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया, देखिए कुछ लोगों का ऑप्शन है भारत और चीन, और कुछ लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर देखिए किसका आंसर सही है, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, जी हाँ यहाँ पर दोनों लोगों का ऑप्शन गलत है, और यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने दूसरा ऑप्शन ही बताया है, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा बांग्लादेश को क्या कहते हैं, आप लोग ये भी ध्यान में रखिए, बांग्लादेश को क्या कहते हैं हम और किस नाम से जानते हैं। बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, बताइए कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट है, बताइए कंप्यूटर के संबंध में एप्लेट है, क्या हो जाएगा एप्लेट। तो एप्लेट जो है जावा में लिखा गया है और एक छोटा इंटरनेट पर आधारित प्रोग्राम है। जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को बताया है, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्लॉक अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। जी हाँ, इस ब्लॉक आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो है समाज में हानिकारक नहीं माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे समाज में हानिकारक नहीं माना जाता है, दहेज प्रथा, वैश्य मताधिकार, बाल विवाह।
दोस्तों देखिए यहाँ पर ये तीनों प्रथाएं तो बिल्कुल से खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन कुछ यहाँ पर जो आपका राइट लग रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि दहेज प्रथा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दोस्तों अस्पृश्यता और दहेज प्रथा और बाल विवाह, ठीक है, इसे जो है हानिकारक माना जाता है, लेकिन वैक्स मताधिकार मतलब जो वैक्स लोग होते हैं इन ये मताधिकार दे सकते हैं, इसे हानिकारक नहीं माना जाता है, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर तीसरे को बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि बाल विवाह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है, बहुत ही पिछड़े एरिए में भले ऐसा कुछ होता होगा लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, कोई भी लड़की या लड़का जो है उसकी जो उम्र है विवाह की वो 21 साल निर्धारित की है गवर्नमेंट ने। पहले 18 था लड़कियों का और लड़कों का 21 था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पे दोनों का 21 कर दिया गया है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों की जो शादी की एज है वो 21 कर दी गई है। लेकिन जो है यहाँ पर बात करें ऑप्शन नंबर पहले की अस्पृश्यता, दहेज प्रथा और बाल विवाह, इन तीनों को हानिकारक माना जाता है और वह मताधिकार जो है ये हानिकारक नहीं माना जाता। और जो है भारत में वोट देने की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, तो आप सभी को ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तलानोवा वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों के आसपास संचरित है, कौन सा तीन प्रश्नों में से नहीं है। देखिए हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या किए जाने की आवश्यकता है, हम वहाँ कैसे जाएंगे। अब आपको बताना है इसमें तुलना करिए कौन सा राइट है। तो दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। तो तलानोवा, ठीक है, एक पारंपरिक दृष्टिकोण है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजी और प्रशांत। जी हाँ, फिजी और प्रशांत एक समावेशी है। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों ऑप्शन राइट की, तो यह है क्या किए जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा ही जा रहा है कि तलानोवा वार्ता तीन मुख्य प्रश्नों के आसपास संचरित है, वह कौन सा है जो तीनों प्रश्नों में से सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही नहीं है। तो जितने भी लोगों ने तीसरा वाला बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्या किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक कांगड़ी चढ़ने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन है। तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए यहां पर चार ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर दूसरे को वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काम्या कार्तिकेयन जो कि 7 अगस्त सन 2017, ऑप्शन नंबर दो आप सभी लोग देख सकते हैं, काम्या कार्तिकेयन जो कि 7 अगस्त 2017 को जो है इस हिमालय पर्वत की चोटी पर चढ़ा और जिसकी ऊंचाई आप सभी लोग देख ही रहे हैं 6153 मीटर है और यह जो है सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जाए, ध्यान से देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान में विषय को शामिल नहीं किया गया है, कौन से विषय को शामिल नहीं किया गया है। तो अंतरिक्ष विज्ञान में दोस्तों यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और मानव विज्ञान, मानव संस्कृति और जीव विज्ञान, अगर अंतरिक्ष विज्ञान की बात करें तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला, मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतरिक्ष अनुसंधान जो है एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिससे ब्रह्मा अंतरिक्ष में जो है वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ना कि मानव संस्कृति का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि सेंट पीटर्स स्क्वायर निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने बताया है वेटिकन सिटी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेटिकन सिटी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, वेटिकन सिटी। ठीक है, सेंट पीटर्स स्क्वायर जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो वेटिकन सिटी यहाँ पर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर एक को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है, और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाए करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।